अगर आपने फ्रॉडियों और गर्दन में सरिये वाले की बात सुननी है तो मुल्का खुदा हाफिज। वो शख्स 4 साल टांग पे टांग रखकर चोर डाकू की गर्दान करता रहा, माशरे में जहर घुला गया। IMF के मुहिदे को तोड़कर इसका बोझ हमारी हुकूमत पर डाला गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में घनगरज, तकरीब से खिताब में कहा नवाज शरीफ को बेबुनियाद मुकदमे में धकेला गया, साकिब निसार टोले के सरगना थे। फैसलाबाद के लोगों को वोट की ताकत से 2018 के इंतखाबात का बदला लेना है। वजीर आजम ने वजाहत की कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए कीमत में इजाफा नहीं किया गया। साजिश के तहत नून लीग की हुकूमत को खत्म किया गया। 2018 में मुल्क पर फितने को मुसल्लत किया गया। वजीर दाखला राना सनाउल्ला ने फैसलाबाद से तकरीब से खिताब में कहा 4 साल में मुल्क की बर्बादी कर दी गई। गुज़श्ता हुकूमत ने कोई एक तरक्याती काम नहीं किया। फैसलाबाद में भी कोई मंसूबा शुरू न हुआ। 4 साल में सिर्फ तख्तियाँ तब्दील की गई। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। MQM पाकिस्तान तंजीमी ढांचा मुनज़म करने के लिए सरगर्म। कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल की मंजूरी के बाद अरकिन राबता कमेटी के मुख्तलिफ शोबों की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। सरदों में शेंगों के मुकाम पर मुसाफिर वैन लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई, 4 अफराद जहां बहक, 1 जख्मी। वादी नीलम में बारिश और तुगयानी से 3 गाँव और मुतादद मकानात मुतासर। 12 साला तालिब इल्म नदी में बह गया। लैंड स्लाइडिंग से जमीनी राबता मुनक़ता। हडर के मुकाम पर शाहराह कराकोरम बंद, सैयार मुसाफिर फंस गए। हुकाम का बारिशों के दौरान सयाहों को पहाड़ी इलाकों के सफर से गुरेज करने की हिदायत। मानसेरा बालाकोट और वादी कागान में बारिश से दरिया करहार और मुख्तलिफ नदी नालों के बहाव में इजाफा हो गया। अपर और लोअर चित्राल में एमरजेंसी नाफिज। पाकपतन में बारिश के दौरान करंट लगने के वाकयात में बच्ची समेत 3 अफराद जा बाहक हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। ओल्ड सिटी एरिया गार्डन लसबेला सिविल लाइंस के शहरी 12 घंटे की लोड शेडिंग से तंग आ गए। सदर गुलिस्तान जौहर लांडी कोरंगी औरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में भी जलती बुझती बत्तियों से कारोबारी जिंदगी शदीद मुतासर।